देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। अनूपगढ़ के क्षेत्र बांडा कॉलोनी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने बताया। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 30 एपीडी में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ प्लांट तथा गोदाम की नींव 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बांडा कॉलोनी की उपशाखा 30 एपीडी में वर्तमान सरपंच पूर्ण मल के द्वारा रखी गयी। इसमें समिति अध्यक्ष छिंदा सिंह, व्यवस्थापक जसविंदर सिंह, पूर्व सरपंच देवेंद्र पाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष साहबराम लेखा, ग्रामीण भूप सिंह, इंद्राज बुदिया, कृष्ण बिश्नोई, अवतार सिंह, सुरेश शेखावत, सूरज पाल सिंह, रामेश्वर लाल, किशोर सिंह, सहायक सचिव टिंकू सिंह तथा अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज आरओ सिस्टम का और गोदाम का उद्घाटन किया गया, तो इस संबंध में मेरे साथ कुछ ग्रामीण जैसे खड़े हुए हैं, तो हमारे साथ सरपंच साहब है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर दो साहब कहें, जो आपने जो ये बहुत बड़ा उपराला किया 30 एपी गांव के लिए पेयजल के लिए, तो जो गोदाम बनने वाला है वो आप दो शब्द इसके बारे में बोले। आज जो आरओ प्लांट का जो शुभारंभ और गोदाम का शुभारंभ जो हुआ है वो हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसमें हमें शुद्ध पेयजल मिलने का सबसे बढ़िया और सस्ता, और इस ग्राम पंचायत पूरी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आज ये शुभारंभ हुआ, और गरीब से गरीब मेरे भाई बहन को शुद्ध जो पेयजल मिलेगा, और पूरे ग्रामवासी पूरे हमारे पूर्व सरपंच साहब देवेंद्र पाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, अभी अभी पधारे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ग्रामवासी सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आए हैं और इस योजना के बारे में सबको ये पता, सबके द्वारा ये जो शुभारंभ हुआ है ये बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व सरपंच रूप राम जी हैं, उनसे कुछ बात करने जाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो दो शब्द सर आप बोले। हमारे 30 एपीडी ग्राम पंचायत में आरओ का उद्घाटन किया जा रहा है, एक गोदाम का भी हो रहा है, तो आरओ से गाँव वालों को पीने का पानी मिलेगा, बॉर्डर पर रह रहे हैं फौज उनको भी पानी मिलेगा, यहाँ से सस्ते में नज़दीक में मिलेगा, हर गोदाम में खाद बीज हर सुविधा उपलब्ध होगी, इसके लिए धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व सरपंच धर्मेंद्र पाल सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे कुछ दो शब्द कहें। धन्यवाद मेरे ग्राम पंचायत 30 एपीडी के बुजुर्गों भाइयों, अभी शॉर्ट नोटिस में मेरे को सूचना मिली है कि ये आरओ प्लांट की यहाँ स्थापना हो रही है, तो मैंने देखा ये हमारे सरपंच साहब का और जसवीर जी जो है ग्राम सेवा सहकारी समिति में उनका एक सफलता की और एक दूसरा कदम है, अब आपके ग्राम पंचायत को भी इन्होंने घेरे में ले लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी में ये क्या काम यहाँ लगाएंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जसविंदर सिंह जी है, तो हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। जैसे कि वहाँ 24 एपीडी बांडा कॉलोनी में ग्राम सेवा सहकारी समिति में बहुत अच्छा उपराला, आरओ सिस्टम, जिम वगैरह, मतलब पूरी सुविधा है हमारे, उसी तरह इन्होंने ये उपराला किया है कि गाँव 30 एपीडी में भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे ग्रामीणों को बहुत अच्छा लाभ मिल सके। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति 24 एपीडी
के द्वारा राज्य सरकार द्वारा EADP के तहत आर ओ प्लांट का जो शुभारंभ आज सरपंच साहब द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ एक राज्य सरकार द्वारा गोदाम का निर्माण भी साथ साथ करवाया जा रहा है, इसमें सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद पहुंचने पर। तो धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे हो जैसे कि शाखा 30 APD में आज उद्घाटन किया गया है। तो सुरेंद्र सिंह रमाणा अनुपगढ़ ज्योति चैनल के लिए 30 APD से।